Hello everybody, how are you guys doing? Hope everybody is doing amazingly well. Welcome back to another lesson of Angreji ki class. और गाइज आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस की. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये कैसे फॉर्म किए जाते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, ये बाकी टाइप के सेंटेंसेस से कैसे अलग है, सारी चीजों की बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे. द लेसन इज गोना बी इन्फॉर्मेटिव, इट्स गोना बी फन, तो एंड तक जरूर देखना. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू, लेट्स डू इट. ऑलराइट एवरीबॉडी, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अ सिंपल सेंटेंस इज. सिंपल सेंटेंस है क्या? चले, अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट डजंट हैव एनी डिपेंडेंट क्लॉज इन इट. It has a subject and a predicate. एक simple sentence एक sentence है जिसके अंदर कोई dependent clause नहीं है, केवल एक independent clause है. तो in other words we can say कि a simple sentence is an independent clause. That's it. ये केवल एक clause है, पहली बात तो ये समझिए. और कौन सी clause है? ये independent clause है. अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और उसका प्रेडिकेट होगा, दैट इज इट. सिंपल सेंटेंस एक सेंटेंस है जिसके अंदर एक क्लॉज है, वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? और इसके अंदर कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा. अब काफी लोग ये समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस, नाम सिंपल है तो सेंटेंस बहुत सिंपल सा होगा, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, छोटा सा होगा, शॉर्ट सा होगा. मैं आपको बता दूं, सिंपल सेंटेंसेस का उसकी लेंथ से, इंफॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है. इट कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी लॉन्ग, जैसा मर्जी हो सकता है. इंफॉर्मेशन आप बहुत ज्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन क्लॉज एक ही होनी चाहिए एंड दैट हैज टू बी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं. आई लव माई स्टूडेंट्स एंड आई डू, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं. सिंपल सेंटेंस क्यों? ये रहा हमारा सब्जेक्ट आई, आई, ये रहा हमारा प्रेडिकेट लव माय स्टूडेंट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट एंड दैट इज माय सिंपल सेंटेंस. लव हो गया यहां पर वर्ब, माय स्टूडेंट हो गया ऑब्जेक्ट, आई लव व्हाट माय स्टूडेंट्स. एक क्लॉज है विच इज इंडिपेंडेंट, ठीक है? आई लव माय स्टूडेंट्स, सिट डाउन, बैठ जाओ. ये सिंपल सेंटेंस है या नहीं? Yes, it is. क्यों? क्योंकि ये रहा हमारा वर्ब, ठीक है? ये रहा एडवर्ब. अब सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट इज देयर विच इज यू, यू सिट डाउन. सब्जेक्ट इज इंप्लाइड. ये है एक इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वहां पर सेंटेंस में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, इंप्लाइड होता है, बट सब्जेक्ट इज देयर, ठीक है? यू सिट डाउन, ये भी है हमारा सिंपल सेंटेंस, ठीक है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. Some people never learn from their mistakes. कुछ लोग जो होते हैं ना, अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते. Which is very true, यार, है? नहीं सीखते. Okay, is it a simple sentence? Yes, it is. क्यों? ये रहा हमारा subject. Some people, ठीक है? Never learn from their mistakes, ये हो गया predicate. अगर और breakdown करना है इसको, तो never हो गया हमारा adverb, है ना? Learn हो गया हमारा verb. From their mistakes होगी prepositional phrase. ठीक है, सिंपल सेंटेंस. एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसके अंदर, देखिए दूसरी क्लॉज कोई नहीं है. एक और एग्जांपल लेते हैं. अरे ये सिंपल सेंटेंस है क्या? काफी बड़ा सा दिख रहा है. हाँ जी, सिंपल ही है. कैसे? चलिए पता करते हैं. लुकिंग एट सम ओल्ड फोटोज ऑफ माय फादर प्लेइंग विद मी एंड किसिंग मी कॉमा आई स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन इनकंसोलेबली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन प्रेजेंट इन माय रूम. तो सेंटेंस कह रहा है कि कुछ पुरानी फोटोज को देखते हुए, कुछ पुरानी फोटोज जिसमें मेरे पिताजी मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे चूम रहे हैं, उन फोटोज को देखते हुए मैं बहुत बुरी तरह से रोने लग गया उस सारे लोगों के सामने जो रूम में प्रेजेंट थे, ठीक है? तो देखिए मेन जो सेंटेंस यहां पे, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इसको. इसका सब्जेक्ट ये रहा आई, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट. स्टार्टेड हो गया भैया वर्ब, ये हो गया हमारा वर्ब. ब्रेकिंग डाउन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है? आई स्टार्टेड क्या करने लग गया? ब्रेकिंग डाउन. कैसे रोने लग गया? इनकंसोलेबली.
मतलब आप चुप भी नहीं करा सकते, ऐसे ऐसे रोने लग गया। ठीक है, योगी एडवर्ब कहां पे रोने लग गया? इन फ्रंट ऑफ एवरी वन प्रेजेंट इन द रूम। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, ये हो गई हमारी एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। कहां पे रोने लग गया? सब लोगों के सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरी वन प्रेजेंट इन माई रूम। तो ये फ्रेज है, देखिए, इन फ्रंट ऑफ किसके? एवरी वन प्रेजेंट इन माई रूम, ये फ्रेज है। अब जो ये आगे आपको दिख रही है ये भी एक फ्रेज है, लुकिंग एट सम ओल्ड फोटोज ऑफ माई फादर प्लेइंग विद मी एंड किसिंग मी, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। एक मिनट, इसको कर देते हैं क्लियर, अब आते हैं वापस। तो ये जो आपको दिख रही है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, और ये आइडेंटिफाई कर रही है आई को, आई आई लुकिंग एट सम ओल्ड फोटोज ऑफ माई फादर प्लेइंग विद मी एंड किसिंग मी। तो ये जो लुकिंग है ये है यहां पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल, राइट। लुकिंग एट, ये रहा हमारा प्रेपोजिशन, और ये पूरा है इसका ऑब्जेक्ट। लुकिंग एट व्हाट? सम ओल्ड फोटोज ऑफ माई फादर प्लेइंग विद मी एंड किसिंग मी। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है जो आई को आइडेंटिफाई कर रही है और वर्क कर रही है somehow एडवर्ब की तरह, कि मैं रोने क्यों लग गया, किस वजह से मैं बुरी तरह से रोने लग गया सबके सामने, उन फोटोज को देखने पर जिनमें मेरे फादर मेरे को चूम रहे हैं, मेरे साथ खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास काफी फ्रेजेस थे। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन एक फ्रेज है, इन फ्रंट ऑफ एवरी वन इन माई रूम ये फ्रेज है, लुकिंग एट सम ओल्ड फोटोज ऑफ माई फादर प्लेइंग विद मी एंड किसिंग मी ये भी फ्रेज है। तो सिंपल सेंटेंस छोटा या बड़ा हो सकता है, इसके अंदर फ्रेजेस अनगिनत आ सकती हैं, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं इसको बहुत सारी फ्रेजेस का यूज करके, लेकिन क्लॉज केवल एक ही होगी, एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट दो हो सकते हैं, सब्जेक्ट दो हो सकते हैं, बट दो अलग अलग क्लॉजेस नहीं होगी। मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है, कंपाउंड प्रेडिकेट भी हो सकता है, बट दो अलग अलग क्लॉजेस नहीं हो सकती। गैरेट, ये आप समझ ले, आगे इनकी बात भी करेंगे। ठीक है, आप सिंपल सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, हाउ टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस, इसकी बात करते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए आपको केवल चाहिए दो चीजें, आपको चाहिए दो चीजें, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। और अगर इसको हम ब्रेक करें तो प्रेडिकेट में भी आपको केवल चाहिए वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का वर्ब। अगर ये दो चीजें आपके पास है तो आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, आपका क्लॉज बन गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब प्रेडिकेट में, जब मैं प्रेडिकेट कह रहा हूं तो प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें आ सकती है, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब के आगे, तो वर्ब के आगे देखिए ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब के आगे कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, वर्ब के आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आ सकता है, फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आ सकता है, फिर उसका एडवर्ब आ सकता है, वर्ब के आगे कॉम्प्लीमेंट आ सकता है और फिर एडवर्ब आ सकता है। तो प्रेडिकेट कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं वो बहुत वेज है उसके। ठीक है, तो किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, किस तरह की वर्ब हमारे पास सेंटेंस में है, वो डिसाइड करेगी कि उसके आगे क्या आएगा, प्रेडिकेट में क्या क्या आएगा, राइट। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैज स्लेप्ट, वो सो चुका है, सिंपल सेंटेंस, ही हो गया सब्जेक्ट, हैज स्लेप्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट, ही हो गया सब्जेक्ट, हैज स्लेप्ट प्रेडिकेट, जिसमें हैज हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, और स्लेप्ट हो गई मेन वर्ब। सिंपल स्वीट आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। तो वर्ब फ्रेज है, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई लव यू, सिंपल है, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, लव हमारा हो गया वर्ब, यू हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, आई लव व्हाट और हुम, यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। अब देखो इसको आप बढ़ा भी सकते हो यार, है ना, चलिए कोशिश करते, आई लव यू अलॉट, इसको आप बोल दीजिए आई लव यू अलॉट, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, अब किस तरह की आप वर्ब यूज करोगे वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या आएगा। तो अगर आप लिंकिंग वर्ब यूज करोगे तो आप कॉम्प्लीमेंट यूज करोगे आगे, फॉर एग्जाम्पल
आशीष आशीष इज क्या? अब मैं बोल सकता हूं अ टीचर. आशीष इज अ टीचर. आशीष इज अ टीचर. तो ये लिंकिंग अप था, तो आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया. मैं बोलता हूं राहुल गेव. अब देखिए गेव डाई ट्रांसिटिव वर्ब है, मतलब इसके दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो आगे दो ऑब्जेक्ट आएंगे. गेव मी गेव मी अ बाइक. सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब एडवर्ब भी यूज कर सकता हूं. राहुल गेव मी अ बाइक द डे बिफोर यस्टरडे. तो एडवर्ब यूज कर लिया मैंने, ठीक है. कब दी उसने बाइक मुझे? परसों दी, ठीक है. अब मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस भी यूज कर सकता हूं. राहुल गेव मी अ बाइक द डे बिफोर यस्टरडे. एट हिज हाउस. एट हिज हाउस. अब मैं एक और एडवर्ब यूज कर सकता हूं. क्यों दी? बिकॉज ऑफ. बट ये मेक श्योर करना कि कोई भी एडवर्ब क्लॉज ना हो, ठीक है. क्लॉज ना हो. बिकॉज ऑफ इट बीइंग माय बर्थडे. बीइंग माय बर्थडे, ठीक है. तो ये देखिए लंबा भी हो गया. तो लेंथ से फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस सिंपल है या दूसरे टाइप का. लेंथ डिसाइड नहीं करेगी. मैं ये भी कह सकता हूं, दूसरा स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं. सम ऑफ माई फ्रेंड्स. अब देखिए लंबा कर सकते हैं हम सेंटेंस को, इसको चलिए लंबा करते हैं. सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिविंग इन पुणे. कुछ मेरे दोस्त जो पुणे में रह रहे अपने फैमिली के साथ. और बड़ा कर देते हैं. सब्जेक्ट जो भी चल रहा है कुछ नहीं आया आगे. विद देयर फैमिलीज. विद देयर फैमिलीज. मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि सिंपल सेंटेंस छोटा या बड़ा हो सकता है. आप लेंथ से इसको कंफ्यूज मत करना. सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिविंग इन पुणे विद देयर फैमिलीज कॉल मी अ लवर. सिंपल. तो यहां पे देखिए ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कॉल मी क्या? अ लवर. अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसमें अनगिनत फ्रेजेस यूज कर सकते हैं. तो लेट्स से because of being an English teacher, I and my friend Anshul, because of being an English teacher, तो ये क्या है? Phrase है. Start कर रहे हैं हम sentence को. Introductory phrase. I and my friend Anshul, तो ये compound subject है. Watch a lot of movies about the English language. अभी देखिए sentence start हुआ एक phrase से, ठीक है. Because of being an English teacher, I and my friend Anshul. तो ये compound subject है, मतलब दो subject से जुड़ के बना है. I और my friend Anshul. Watch क्या? A lot of movies. Object भी एक phrase है. किसके बारे में movies? Movies कैसी movies? About the English language, ठीक है. Because of being an English teacher, I and my friend Anshul watch a lot of movies about the English language. Watch a lot of movies about the English language at
एट जॉन्स प्लेस, कहां देखते हैं? जॉन के घर पे. कब देखते हैं? आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस. ठीक है, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में. जॉन के घर पे देखते हैं और ऑफिस से आने के बाद देखते हैं. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस. अब देखिए, बहुत सारी फ्रेजेस मैंने यूज करके सेंटेंस को बड़ा कर दिया, बट स्टिल इट इज अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहां पर क्लॉज हमारे पास एक ही है. ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम फॉर्म करेंगे सिंपल सेंटेंसेस को. अब सिंपल सेंटेंसेस, जितने भी अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप मीनिंग क्या देना चाह रहे हैं सेंटेंस में, आप ऑर्डर कर रहे हैं या सिंपली डिक्लेयर कर रहे हैं, या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, या नेगेटिव सेंटेंस, जितने भी तरह के सेंटेंस हैं वो सारे सिंपल हो सकते हैं और अलग तरह के भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये जो चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये भी सिंपल हो सकते हैं और दूसरे तरह के भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक क्लॉज है, मैं आपको जानता हूं. पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, आई डोंट नो यू. नेगेटिव है, हाँ ये पॉजिटिव है, मैं आपको नहीं जानता. इट कैन बी अ क्वेश्चन इज वेल, क्या मैं आपको जानता हूं, डू आई नो यू. सिंपल है. इट कैन ऑल्सो बी एन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डू आई नॉट नो यू, क्या मैं आपको नहीं जानता. ठीक है, सिमिलरली ये इंपेरेटिव भी हो सकता है, कम हियर, इधर आओ, यू यहां पर इंप्लाइड है. डोंट डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस. तो ये मैं यहां पर भावनाएं प्रकट कर रहा हूं. इसको एक और आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूं. द मैच वॉज अमेजिंग, द मैच वॉज अमेजिंग, वाओ मैन द मैच वॉज अमेजिंग. तो एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, ठीक है, जो भावनाएं प्रकट कर रहा है. ये भी सिंपल है. देखिए, अगर आप देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लॉजेस किस तरह का सेंटेंस है, तो सिंपल है, और मीनिंग कैसा दे रहा है, तो ये कि एक्सक्लेमेटरी है. ठीक है, तो अलग अलग बेसिस पे हम सेंटेंस का टाइप डिसाइड करते हैं. अब अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क कि सर, सिंपल को हम कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, सिंपल को हम कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं. अब यहां पे आंसर है बहुत सिंपल, और ध्यान से सुनो इसको. सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन है वो डिसाइड करेगा कि वो सेंटेंस कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि नहीं. अगर इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है, कॉन्टेक्स्ट इनफ नहीं है, तो यू कैन डू दैट. अगर इंफॉर्मेशन इनफ है, आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है सेंटेंस, तो प्रोबेबली कैन डू इट, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. तो येस और नो डायरेक्ट आंसर इसका नहीं है. इंफॉर्मेशन अगर पर्याप्त है सेंटेंस में, तो आप कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो. अगर नहीं है, तो नहीं कर सकते. और अगर कोई भी सेंटेंस सिंपल में आपने उसको फॉर्म कर रखा है या दे रखा है, तो यार सबसे शॉर्ट तो वो ऑलरेडी है, सबसे प्रिसाइज तो वो ऑलरेडी बन चुका है, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म क्यों करोगे. बट अगेन, आना चाहिए तो ऑफकोर्स इट्स अ गुड थिंग. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं इंग्लिश वाले चैनल पे, हिंदी पे भी बहुत जल्द आएगा. ओके, चलिए करके देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करते हैं और कैसे ये नहीं हो सकता इन सर्टेन सिचुएशंस. आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, सिंपल सेंटेंस है. एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. इट कांट बी चेंज्ड इन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है. इट कांट बी चेंज्ड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन ही लिमिटेड है, मैं आपको जानता हूं. अब कंपाउंड में चेंज क्यों करूंगा या कैसे करूंगा? कंपाउंड में दो क्लॉजेस होती हैं. अब दो सब्जेक्ट कहां से लिया हूं मैं, इसके दो प्रेडिकेट कहां से लिया हूं, वह भी एक है. तो वर्ब तो दो होनी चाहिए ना, दो काम तो होने चाहिए. वर्ब हो, डायरेक्ट वर्ब ना हो, इन्फिनिटिव हो, जेरेंड हो, कुछ तो हो, है ही नहीं यहां पे. तो इसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता ना कंपाउंड में. दूसरा देखो, आई लव यू एंड योर पेट, मैं आपसे प्यार करता हूं और आपके पेट से. तो ऑब्जेक्ट देखो दो है यहां पे, तो मैं सेम वर्ब का यूज करके, सेम सब्जेक्ट का यूज करके दो अलग अलग क्लॉजेस यहां पे पॉसिबली क्रिएट कर सकता हूं. तो मैं कह सकता हूं,
आई लव यू एंड, ठीक है, कंजंक्शन यूज करा, दूसरी क्लॉज आई ऑल्सो लव योर पैट, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट दो थे, ठीक है, सिचुएशन थी तो हम कर सकते थे। इसको मैं क्या कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकता हूं? नहीं, सॉर्ट ऑफ नहीं, मतलब है ही नहीं, इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है। अब ये देखो, आई डिडंट गो टू जॉन्स बिकॉज ऑफ माई इलनेस, मैं जॉन के घर नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। इसको मैं कंपाउंड में भी चेंज कर सकता हूं और इसको मैं कॉम्प्लेक्स में भी चेंज कर सकता हूं। आप क्यों देखो, ये तो हमारी हो गई वर्ब फ्रेज, ठीक है, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, और ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये हमारे लिए हेल्प की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये रीजन दे रहा है कि मैं वहां क्यों नहीं गया, ठीक है। अब इसी वजह से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। लेट मी डू इट फॉर यू। मैं कह सकता हूं आई डिड नॉट गो टू जॉन्स आई डिड नॉट गो टू जॉन्स फॉर आई वॉज इल, ठीक है। ये हो गया पहला क्लॉज, ये हो गया दूसरा क्लॉज, ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बन गया कंपाउंड सेंटेंस। इसको आप कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो बिकॉज आई वॉज इल कॉमा आई डिड नॉट गो टू जॉन्स, जॉन्स मतलब जॉन्स के घर, जॉन्स प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स, ये हो गई डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर इसको मैं चेंज कर दूं फ्रेज में तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, करके देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ बीइंग इल अब ये फ्रेज बन गई, आई डिन गो टू जॉन्स। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस बन गया, ये फ्रेज है और ये रहा हमारा, ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, तो अब ये सिंपल सेंटेंस बन गया। तो आप केवल इंफॉर्मेशन के साथ खेल रहे हो, आप इंफॉर्मेशन को फ्रेज में चेंज कर रहे हो या क्लॉज में चेंज कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये भी आप समझ लो कि सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में तभी चेंज करा जा सकता है अगर इनफ इंफॉर्मेशन है सेंटेंस में, और करने की कोशिश मत करो अगर ऑलरेडी सिंपल में वो बन चुका है, ठीक है। तो दोस्त ये थी आज की वीडियो अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। आई एम श्योर आपको समझ में आ गई कि सिंपल सेंटेंसेस क्या है, कैसे दिखते हैं, इनके अंदर क्या आता है, कैसे फॉर्म करे जाते हैं। ये लंबे भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, इनको चेंज भी करा जा सकता है, कब करा जा सकता है ये भी यू नो, ठीक है। वेबसाइट पे हमारे बहुत डिटेल्ड में पोस्ट है सिंपल सेंटेंसेस पे, ये दिख रही है आपको, आप जाएं इसको पढ़ें, ठीक है, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो इसको पढ़ें। आपको जो भी जानना है सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, एवरी थिंग इज राइट देयर ऑन योर राइट, देयर इज अ बुक ऑन द साइंस ऑफ यूजिंग टेंसेस। अगर आप यू वॉन्ट टू लर्न टेंसेज द राइट वे, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, इट्स गोना चेंज योर लाइफ, आई प्रोमिस यू दैट। अगर ऑलरेडी परचेज कर रखी है नो वरीज, अगर इफ यू कांट अफोर्ड इट तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेबसाइट पे ऑलरेडी बहुत पोस्ट हैं टेंसेस के बारे में, तो आप उनसे ही पढ़ सकते हैं, बट इफ यू कैन अफोर्ड द बुक आपको बिल्कुल खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होती है दोस्त वीडियो खत्म। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, वो घंटा भी बजा देना। एंड आई सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन।